आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज, साहस सच कहने का। गाजियाबाद की गड़गंगा। गंगा का छोटा रूप कहे जाने वाले गाजियाबाद के गड़गंगा घाट पर भी उतनी ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है जितनी की हरिद्वार में। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताएंगे उसे सुनने के बाद आप गड़गंगा यानी कि छोटी गंगा कहे जाने वाले हरिद्वार जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो हर श्रद्धालुओं के होश उड़ा देगा। गंग नहर में स्नान करने वाले हो जाइए सावधान, गंग नहर में छुपा बैठा है मौत का गोताखोर। जी हाँ, वही गोताखोर जो छोटी गंगा में स्नान करने आए लोगों की हत्या कर उनके साथ लूटपाट करते हैं। जब इस मामले का पता लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को लगा तो उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पत्र के मुताबिक मुरादनगर गंग नहर पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया और उसे छोटा हरिद्वार नाम दिया गया। NCR ही नहीं बल्कि हरियाणा और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर स्नान करने आते हैं और मौत के गोताखोर यहाँ छुप कर बैठ जाते हैं। जो भी महिला या पुरुष यहाँ स्नान करने के लिए उतरता है ये उसे पकड़ कर नीचे डुबो देते हैं जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नहर में वो पहले से ही तैयार पत्थर और रस्सी से उनके पैर को बांध देते हैं जिससे उनकी लाश पानी के ऊपर नहीं आ पाती और उनके आभूषण निकाल कर फरार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब परिवार वाले गोताखोर से लाश ढूंढने को बोलते हैं तो वह उनसे 20 से 25 हजार रुपए लेते हैं। बात का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की गंग नहर में स्नान करने उतरी और किसी ने नीचे से उसका पैर खींचा लेकिन वह असफल रहा, जिसके बाद लड़की ने लोगों को इस बारे में बताया कि पानी के अंदर कोई उसका पैर खींच रहा था। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारी और गोताखोरों के बीच साठ गांठ भी बताई जा रही है। उन्हें यहाँ रोज 2 से 3 लाश मिलती है। नेटरिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।